है इसकी, जब तक बिहार के योग नदी के नाम से जाने जाने वाला मुंगेर के बिहार स्कूल योगा की चर्चा ना हो। बिहार स्कूल ऑफ योगा को दुनिया का पहला योग विद्यालय माना जाता है। योग को आगे बढ़ाने में बिहार स्कूल ऑफ योगा का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना 1963 में स्वामी सत्यानंद ने मुंगेर में गंगा नदी के तट पर की थी। आज दुनिया के 70 देशों में इसकी शाखाएं फैली हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा को दुनिया के पहले योग विद्यालय के रूप में जाना जाता है। आज यहाँ पूरी दुनिया से लोग योग सीखने आते हैं। इस योग विद्यालय की स्थापना 1963 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इस योग विद्यालय ने दुनिया भर में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी स्थापना से पहले लोगों में ये धारणा थी कि योग साधना साधु संन्यासियों के लिए है, लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जनमानस को नया संदेश दिया। उन्होंने बताया कि योग जीने की एक कला है, जीवन पद्धति है, जीवन का विज्ञान है। बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने 3 महीने ट्रेनिंग वहाँ से करा है, तो फिर मेरा उसके बाद से मन किया कि मैं थोड़ा और इसके बारे में पढ़ूं। तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए श्रीशु यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एंड व्हेन आई से वहाँ पे जाके कि मैं मुंगेर से आती हूँ, पीपल ऑलरेडी नो मी कि हाँ मुंगेर यानी बिहार स्कूल ऑफ योगा, एंड दे थिंक कि हमें उनसे अच्छा पता होगा, तो और इससे बड़ी बात क्या होगी कि पीपल यहाँ के आज के जो बच्चे होते हैं उन्हें योग के बारे में आप पूछेंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि अगर आपको कौन सा अभ्यास करना है तो वो आपको बता देंगे कि आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने साल 1963 में मुंगेर के गंगा तट पर बने कर्णचौरा में इस योग विद्यालय की स्थापना की थी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग सिखाने के लिए 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें योग के सिद्धांत कम और प्रयोग ज्यादा हैं। मुंगेर के इस बिहार स्कूल ऑफ योगा का लक्ष्य पारंपरिक योग और ध्यान को जन जन तक पहुंचाना है। स्वामी सत्यानंद के निधन के बाद स्वामी निरंजनानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार किया है। जन जन तक तो इनका अभियान ही है, जन जन तक लेने का। बड़े महादेव जो बड़े स्वामी जी थे हमारे स्वामी सत्यानंद जी, इनका यह अभियान ही था और इसी चीज के लिए ही मुंगेर ही आए थे, मुंगेर की जगह को चूज किया थे। इनको हर जन जन तक पहुंचाना था योग का संदेश, और उसमें सफलता भी हासिल हुई। क्या सफलता? लगभग अब कोई ऐसा लोग नहीं है पूरे हिंदू मतलब विश्व में जो बिहार योग विद्यालय को नहीं जानता, पूरे विश्व में। इस योग विद्यालय की शाखाएं 70 से ज्यादा देशों में फैली हैं। इस समय बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा योग शिक्षा का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। पहले चरण में इस योग विद्यालय ने योग को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। दूसरे चरण में योग के पारंपरिक स्वरूप की शिक्षा दी जा रही है। योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के लिए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और प्रधानमंत्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी इसका सेकंड फेज चल रहा है। पहला फेज था जिसमें कि योग का प्रचार प्रसार था, और अब यम नियम के ऊपर में ये काम कर रहे हैं, और स्वामी सत्यानंद जी के बाद उनके शिष्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने लगभग 30 वर्ष पहले इसका भार संभाला, और काफी मैंने मेहनत करके और काफी समर्पण से इस संस्था को चलाया। ये संस्था ज्यादा प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करती है, काम में करती है, और इनका काम अभी लगभग 70 देशों में चल रहा है। शिव कुमार रुंगटा इस योगाश्रम से पिछले 40 सालों से जुड़े हैं। उनके जैसे हजारों स्थानीय लोग भी इस योगाश्रम से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी का असर इस योग विद्यालय पर भी पड़ा है। कोरोना के संक्रमण से सन्यासियों को बचाने के लिए योग आश्रम को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। महामारी की वजह से इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आश्रम द्वारा आम लोगों के लिए कोई भी विशेष कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। आश्रम ने लोगों से अपील की है कि वो घर की छत पर या खुली जगह में बिना भीड़ लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं।
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस योग विद्यालय के योगदान को देखते हुए मुंगेर को योग नगरी की उपाधि दी थी। मुंगेर और बिहार के लिए ये गौरव की बात है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट।